इस देश में करीब 29 करोड़ लोगों के पास एलपीजी कलेक्शन है, कनेक्शन है। आप कहते रहे कि कैसे 8-9 करोड़ हमने उज्ज्वला में दे दिए फ्री कनेक्शन। आपने फ्री कनेक्शन दिए, लेकिन क्या उज्ज्वला के लोग जो आज गरीबी की सीमा रेखा के नीचे चले गए, उन 23 करोड़ लोगों में शामिल हैं, क्या वो 834 रुपए का सिलेंडर खरीद सकते हैं? और इसका आंसर, इसका जवाब बिल्कुल नहीं है। बहुत मुश्किल है उनके लिए ये 834 रुपए का सिलेंडर खरीदना। और क्योंकि भ्रमित करने के लिए, डिबेट को भ्रमित करने के लिए, चीजों को भ्रमित करने के लिए, मुद्दों को एक सब्सिडाइज्ड और नॉन सब्सिडाइज्ड की बात कही जाती है। सच तो यह है कि आज सब्सिडाइज्ड और नॉन सब्सिडाइज्ड एक ही है, कोई सब्सिडी नहीं आ रही है, क्योंकि मार्केट प्राइस और कंट्रोल्ड प्राइस को एक कर दिया गया है। सब्सिडी क्या थी? मार्केट प्राइस और कंट्रोल प्राइस में जो अंतर होता था वही सब्सिडी थी। जब आपने सब्सिडी को खत्म कर दिया है, जब आपने मार्केट प्राइस और कंट्रोल प्राइस को एक कर दिया है, तो अब सब्सिडी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और क्या यह सरकार से अनचाहा, अनकहा, अनभिज्ञता से हो गया? बिल्कुल नहीं। और यह भी आंकड़ा प्रूफ करता है, 1,42,000 करोड़, मैं फिर से रिपीट करती हूं, 1,42,000 करोड़ रुपए सब्सिडी थी 2014 में ईंधन पर, जो यूपीए सरकार ने दी थी ऑफिस डेमिट करते वक्त। आज वही सब्सिडी 1,42,000 करोड़ से घटाकर 12,000 करोड़ के नीचे कर दी गई है। और जानबूझकर यह किया गया है, क्योंकि सरकार जानती है, सरकार को पता था इस वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले कि अब हम सब्सिडी नहीं देंगे, हम उज्ज्वला का झुंझुना बजाएंगे, हम ताली थाली करवाएंगे, लेकिन हम लोगों को राहत नहीं पहुंचाएंगे। और इसीलिए फ्यूल सब्सिडी का बजट ही घटा दिया गया है।